आज रिकॉर्ड नहीं किया, तुम लोगों ने बोला नहीं मेरे को गया। चलिए, जो भाग्यश्री है वो रिजॉयस कर रही है, तब क्या किया जाए बताओ। चलिए, तो कॉन्ड्रिक्थाइस हो गया हमारा, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है जी, तो ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस हम लोग देख रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ड्रिक्थाइस। अब इसमें कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, तो एक तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है एंड ये मोस्टली मैराइन है, याद रखना कार्टिलेजिनस फिशेस मोस्टली मैराइन है, बट फ्रेश वाटर फॉर्म्स ऑलवेज ऑल्सो सीन। स्ट्रीमलाइन बॉडी ये एक्वेटिक एनिमल का फीचर होता है, अगर स्ट्रीमलाइन बॉडी नहीं होगा तो स्विमिंग कैसे करेगा, है कि नहीं? तो पानी को चीरने के लिए उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए। माउथ इज वेंट्रल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हम लोग कभी शार्क बनाएंगे ना, सपोज यू वांट टू मेक द डायग्राम ऑफ ए शार्क, तो आप कैसे बनाओगे? सपोज इस तरह से बनाए, ऐसे करके ऐसे करोगे, तो समझ है कि नहीं? इस तरह से शार्क बनता है ना? नहीं बोलो। यस सर। तो यू लाइक जेजेस ड्राइंग्स आर नॉट? यस सर। खूब सुंदर। ये क्या है एक्चुअली? सर यू ड्रॉ सच परफेक्टली इन द माउस आल्सो। हाँ, नहीं ये ड्राइंग कैसा है? ये माउस नहीं, आई एम यूजिंग पेन। एक्चुअली मैंने अपना वीडियो ऑन इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम लोग नहीं करते हो, तो इसीलिए ओनली तू तो हर समय करता है पर बाकी नहीं करते है ना। चलो, तो आप देख रहे हो ये आई एम यूजिंग पेन, आई डोंट यूज माउस, सो आई यूज पेन। देखो टीचर्स लोग क्या करते हैं, ड्रेस कपड़ा खरीदते हैं, अपार्टमेंट खरीदते हैं, बट पुअर जेजेस पूरा फटा ड्रेस पहनता है, बट उसके पास हर टेक्निकल चीज होता है ना। क्या बोल रहे हो? आपको और किस सब्जेक्ट, आपको और किस सब्जेक्ट में वीडियो अपलोड मिलता है बताओ? और किसी सब्जेक्ट में मिलता? और किसी में मिलता है वीडियो अपलोड? बोलो। नो सर। हाँ बोलो बोलो प्रत्याशा। नो सर, रिकॉर्डिंग होता है। फिजिक्स में सर कभी कभी अपलोड कर देते हैं अगर नेटवर्क खराब होता है हमारा। फिजिक्स हाँ, कभी यूट्यूब में ना ये नहीं सर, नॉर्मल में। नॉर्मल सर हम ग्रुप में छोड़ देते हैं, हम जाके सर्च करके आते हैं ब्राउजर में। ओके हाँ, मैंने वो यूट्यूब में, यूट्यूब में नहीं छोड़ते सर। तो कहाँ छोड़ते हैं? यूट्यूब में सर काफी हो वो सर, हमारे ग्रुप में छोड़ देते हैं, अगर किसी का क्लास मिस हो गया हो तो वो वहां से देख लेता है। वीडियो वीडियो जी सर। अरे वाह, तो मेरा तो वीडियो अपलोड ही नहीं होता ग्रुप में। चलो ठीक है ना, आशुतोष सर ना, आशुतोष सर। यस सर। जी सर, ही इज ए गुड बॉय, जैसे मैं गुड बॉय हूँ वो भी गुड बॉय। चलिए, तो इसीलिए आप समझ रहे हो वेंट्रल माउथ का क्या मतलब होता है, उसका माउथ नीचे होता है, बट आपका जो रोहू भाकुर का माउथ क्या होता है, एकदम सामने होता है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एंटेरियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। तो माउथ इज वेंट्रल, देखो पढ़ लो, तो माउथ इज वेंट्रल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, इसका मतलब जिंदगी भर मिलेगा। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ एंड इसमें भी गिल स्लिट्स अलग होंगे विदाउट ऑपरक्यूलम, माने गिल स्लिट्स नेकेड होगा, उसका ढक्कन नहीं होगा। अंडरस्टूड? नाउ स्किन इज टफ कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक स्केल्स। अगर आप अपना गाल लेकर शार्क के स्किन में घिस दोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपको स्लिपरी स्लिपरी लगेगा, चिकू 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 ऐसे लगेगा। बट क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि उनका स्केल्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक है, वो काफी छोटे स्केल्स हैं। ओके, इट इज नॉट डेंजरस। बट अगर आप रोहू मछली के स्किन में घिस दोगे तो क्या होगा? गाल छिल जाएगा।
तो समझ रहे हो? सो दीज स्केल्स, उसमें हम लोग एक पॉइंट ऐड करेंगे, दे आर माइक्रोस्कोपिक कॉमा डर्मल स्केल्स कॉमा होमोलोगस टू क्या, होमोलोगस टू टीथ, होमोलोगस टू टीथ. एक्चुअली इनका यही स्केल्स धीरे धीरे जाके दांत बन जाते हैं. अंडरस्टैंड, मैं आपको दिखाऊंगा फोटो में. तो दीज स्केल्स दे अल्टीमेटली फॉर व्हाट, टीथ. तो ये उनके बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो ये स्केल्स माइक्रोस्कोपिक होता है, ये ज्यादा बड़ा साइज का नहीं होता. अंडरस्टैंड? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेम्बर. नाउ अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाँ बोलो. वर्षा आ रही है जा रही है? चलिए. सो देयर जॉज आर वेरी पावरफुल. अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शार्क के जबड़े में अगर आप लात दोगे तो क्या होगा, वो तोड़ देगा. देयर वेरी स्ट्रॉन्ग जॉज, घा करके खा जाएगा. ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल जॉज. बट अगर आप बोनीफिश देखोगे, वो उतना स्ट्रॉन्ग जॉज नहीं है. हा? तो समझ रहे हो, उतना दमदार जॉज नहीं होता है. नाउ आपने कभी भी शार्क को रेस्ट करते हुए नहीं देखा होगा. उसका कारण क्या है? दे डोंट हैव एनी एयर ब्लैडर. तो इसीलिए दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली. अगर एयर ब्लैडर होगा तो क्या होगा, वो बायंसी मेंटेन करेगा, है कि नहीं? सो इसलिए इन किसके केस में नो बायंसी, इसलिए इनको बार बार स्विमिंग करना पड़ेगा. जैसे ये रुक जाएंगे, ये डूब जाएंगे. बट अगर आपके घर में एक्वेरियम है, आप देखना उसमें जो आपका मछलियां होंगे वो रात को एक ही जगह खड़े होंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे वो खड़े हैं. ओके, तो वो खड़े कैसे हैं? बिकॉज उनका एयर ब्लैडर होता है. जब आप एयर ब्लैडर क्या है आप जानना चाहते हो, तो जब डैडी या मम्मी मछली खरीद रहे होंगे तो वहां जाके देखना. तो जब वो रोहू भाकुर मछली काट रहा होगा तो उसके अंदर से तो बेलून निकलेगा. सो दैट इज कॉल्ड एयर ब्लैडर. तो इसलिए हम एयर ब्लैडर को क्या ऑर्गन कह सकते हैं, बताइए. सो एयर ब्लैडर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन. ओके, इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन कहते हैं, कॉमा मेंटेन्स बायंस. ठीक है, ये मेंटेन्स बायंसी. अब सपोज वो भरपेट खा लेता है तो क्या होगा? अगर वो भरपेट खा लेगा तो डूब जाएगा. तो हाउ टू अवॉइड डूबिंग? बाय स्विमिंग. सर अपने बॉडी में, सर अपने बॉडी को लाइट करके, मतलब फिर फ्लोट करेगा उसके ऊपर. कैसे? हाँ भाई, इंक्रीजिंग बॉयंसी. कैसे? सर एयर भर देगा अपने अंदर. बस तो वही तो आपको समझना है गधों. तो अगर वो ज्यादा खा लेगा तो भारी हो जाएगा, भारी होने से डूब जाएगा. पर इतना बढ़िया खाना मिल रहा है, खा लेने में टेंशन किस है, तो खा लेते हैं, हवा भर लेंगे. तो इसलिए उसको कोई टेंशन ना से. तो जब वो ज्यादा खा लेगा वो अपने एयर ब्लैडर में ज्यादा हवा भर लेगा, तो फिर बायंसी बराबर. समझ आया? बट शार्क बेचारा, उसको जिंदगी भर तैरना पड़ता है क्योंकि उसका बायंसी नहीं होता है. आ गया मजा? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो इसलिए मेन चीज पाठ को समझना बहुत जरूरी है. ओके, तो अगर आप समझ गए तो बढ़िया है. चलिए. सो अब उसके बाद आ गया हमारा, तो ये हमारे पॉइंट्स है. तो आपको लेफ्ट में दो डायग्राम दिखाया गया है, कौन कौन सा डायग्राम बताइए. सो ये है आपका डॉग फिश.
यस स्कॉलियोडॉन, इसका नाम है स्कॉलियोडॉन रॉक्सेनबर्गी एंड इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड डॉग फिश, या इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका लैब शार्क। तो जब हम लोग पढ़ते थे आई हैव कट मोर देन 70-80 लैब शार्क्स, तो समझ रहे हो, तो हम लोग का डिसेक्शन होता था ना इन आवर टाइम्स, आप लोग के समय डिसेक्शन बंद हो गया है, तो इसलिए डॉग फिश इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सॉ फिश, क्यों, इसका जो मुंह है वो कौरता जैसा दिखता है, लकड़ी लकड़ी काटने वाला, yes, sir. तो ये लकड़ी काटने वाला जैसा दिख रहा है। फाइन, चलिए देखो कितना बढ़िया, जल्दी जल्दी सौरू चाहिए हमारा, बट अगर एसीआरटी पढ़ते ना तो आपका कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिश ही 3 दिन लगता, 6 घंटे का क्लास, तो देख रहे कितना टाइम वेस्ट होता हमारा। चलिए जेसीआरटी में मोर देन 6 आवर्स लगेगा आपको पढ़ने के लिए। चलिए आप इधर आ जाइए, ये आपका कार्टिलेजिनस फिशेस का नेक्स्ट पॉइंट। तो जो भी फिश हो चाहे वो शार्क हो या बोनी हो, आपका बॉय अस्केला बॉय तक नहीं जा, तो वो आपका 2-chambered heart होता है, समझ रहे हो, उसमें 2-chambered heart होता है। एंड जो इलेक्ट्रिक फिश है उसमें आपका इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है, समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन, तो अगर आप उसको टच करोगे तो आपको पानी में फ्राई कर देगा, डीप फ्राई। हैव यू सीन दैट फिल्म जर्नी टू द मिस्ट्रियस आइलैंड? यस सर मैंने देखा है। तो उसमें वो बड़ा सा ईल आता है, देखे हो, जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड है ना, पिक्चर पिक्चर नहीं देखने से नीट नहीं होगा, याद रखना आपको पिक्चर देखना पड़ेगा, अगर आप पिक्चर नहीं देखोगे ना सर घर वाले पीटेंगे। हाँ पीटो तो तापरे तो हॉस्पिटल जीव, नीट जीवा दरकार नहीं, तो फॉर नीट यू हैव टू सी फिल्म्स, देयर इज नो वे आउट। अब देखो जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड तुमने देखा नहीं, तो हाउ विल यू सी दैट एनिमल जो मैंने आपको बोला। अभी जस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहे हैं कि बिना देखे सुखे ये पाठ कौन सा पढ़ रहे हो आप लोग, समझ आया, अभी मिस्टर मोदी इज टॉकिंग इन टीवी चैनल्स, है कि नहीं, अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसलिए बिना देखे आप कैसे, अब जैसे प्रत्याशा हुआ सीन दिस जर्नी टू मिस्टर साइलेंट सर, तो प्रत्याशा देखी है, तो उसमें आपने वो बड़ा फिश देखा था, हाँ वो बच्चे को खा गया, वो क्या करता है नीचे से तो सबमरीन को चार्ज कर देता है, बस, तो जैसे उसने टच किया उस डंडे को पूरा बैटरी उसका चार्ज हो गया। उसी तरह से अगर उसको आप टच कर दोगे तो पानी के अंदर डीप फ्राई होके चिली गिरिजा बन जाओगे, ओके, या क्या केएफसी गिरिजा। चलिए उसके बाद आपका ये है सम में स्टिंग रे होता है, सी आई विल नॉट टेल इट इज अ पॉइजनस स्टिंग बिकॉज इट इज रॉन्ग, आप पढ़ सकते हो इसलिए मैं पॉइजनस को हाईलाइट नहीं कर सकता। तो जो स्टिंग रे है ये ट्राइगोन का नाम है स्टिंग रे, ओके, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्राइगोन का, नॉट दिस, ये तो बोनीफिशेस है, ट्राइगोन का नाम दूर यार क्या है, टॉर्पेडो का नाम है इलेक्ट्रिक रे, एंड आपका ट्राइगोन का नाम क्या है, स्टिंग रे। नाउ डू यू नो समथिंग अबाउट स्टिंग रे, किल्ड पीपल की तरह दिखता है, डॉक्टर स्टीव अरविन, यू नो हु इज स्टीव अरविन, नो सर, देखो आप लोग डिस्कवरी चैनल देखते हो बट उसका इतना फेवरेट एन ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटलिस्ट, यस नॉट एनवायरमेंटलिस्ट इडियट, तो ही वाज द मैन, ही वाज द डिस्कवरी मैन, ओके, डिस्कवरी चैनल में ये सांपों के साथ क्रोकोडाइल्स के साथ इनके काफी वीडियोस हैं, तो उसी तरह ही वाज शूटिंग ए फिल्म ऑन स्टिंग रेज, तो वो स्टिंग रेज के साथ खेल रहे थे, एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक स्टिंग रे ने अपना स्टिंग मार दिया उनके सीने में, एंड आपका जो फ्रंट ऑफ द हार्ट होता है ना वो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है,
इसलिए उनका लेफ्ट वेंट्रिकल में पंक्चर हो गया एंड ही ब्लेड टू हिज डेथ. ही कुड नॉट गेट इवन सम टाइम सम मिनट्स टू लिव. तो बट वो एक्सीडेंटली हुआ एंड स्टिंग रे जो है वो स्टिंग अपना डिफेंस के लिए यूज करता है बट वो पॉइजनस नहीं होता है. ये एक गलत चीज यहाँ दिया हुआ है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट. तो ये ऑल योर कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि बर्ड्स मैमल छोड़ दो तो बाकी सारे कोल्ड ब्लडेड हैं. सेक्सेस आर सेपरेट एंड मेल्स में क्लस्पर होता है. तो क्लस्पर क्या होता है? Helps in true population. Yes. Helps in true copulation. ये क्या करता है? ये आलिंगन करने में मदद करता है. जैसे आप गले नहीं मिलते हो तो अगर ये जब ये लोग गले मिलते हैं कहीं बीवी खिसक ना जाए इसलिए उनके पास क्लस्पर होता है. वो एकदम लॉक कर देता है आप बेटा जाएगी कहाँ. सो जस्ट लाइक दैट. तो इसलिए क्लस्पर क्या करता है? मेल फीमेल के अटैचमेंट में मदद करता है एंड इट इज हेल्पिंग इन व्हाट थ्रू कॉपुलेशन. समझ में आया? चलिए अब फर्टिलाइज. जब थ्रू कॉपुलेशन है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस. तो इस पे आपको एक बढ़िया चीज मैं आपको बताऊंगा. तो बहुत चीज दिखाने का मन है बट टाइम नहीं है तो अब क्या किया जाए बताओ. तो इसलिए विविपेरस में आपका जो इफ विविपेरस अगर विविपेरस है तो फॉल्स प्लेसेंटा होता है. ओके नाउ इफ ओविपेरस देन दे हैव मरमेड्स पर्स. तो अगर ये विविपेरस होते हैं तो इनका प्लेसेंटा फॉल्स होता है. ओके बट अगर ये ओविपेरस होते हैं तो इनके पास मरमेड्स पर्स होता है. तो हैव यू सीन मरमेड्स पर्स? एक्चुअली देखो जब भी मैं कोई चीज बोला करूँ ना तो आप लोग अमीर घर के बच्चे हो आपके पास गुगलू अंकल होते हैं तो आप इमिडिएटली गुगलू अंकल खड़का दिया करो तो आपको बहुत चीज पता चल जाएगा. समझ रहे हो? तो इसीलिए वो सब स्टोरीज मेरे को मत बोलो. ओके क्योंकि जो मुमकिन नहीं है उसको रोना रोने से हम क्या करेंगे बताओ. दैट इज नॉट देयर इन माय हैंड. सो जिसको मुझे दिखाना होता मैं दिखा देता हूँ बट वहां मुझे टाइम चाहिए होता है. अब जब समय नहीं होगा तो अब मैं कहां से लाके दिखा दूंगा. फिर भी तुम्हारे लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ दिखा दिया जाए. सो एटलीस्ट आई ट्राई टू शो यू थिंग्स बट दैट इज अगेन आउट ऑफ द वे. चलिए सो आप ये जो टैक्सोनॉमी का सपोज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्चुअली मरमेड्स पर्स दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ तो इसमें मिलना भी ठीक टाइम से जरूरी है. समझे कि नहीं? तो इसलिए मरमेड्स पर्स एक्चुअली मरमेड्स पर्स क्या होता है उसमें शार्क का बेबी होता है बाहर. तो अब लेट मी शो यू. सर वो क्या कंगारू में जैसे होता है वैसा टाइप का होता है क्या कुछ इसमें बेबी रखते हैं? ये देख रहे हो भाई देखो कितना सुंदर सुंदर चीज है आपका दुनिया में आप देखना नहीं चाहते. देख रहे हो दिस?